गाइस, दो छोटी वाली बच्ची आ गई है आपके सामने। गाइस, दो छोटी वाली बच्ची आ चुकी है। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो गोमती ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं अभी रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि तीज का समय आ गया है और मुझे कुछ कुछ लेना भी है, कपड़े लेने हैं और कुछ भी सामान। तो वही मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ। और धूप काफ़ी तेज़ था, मैं और आराध्या दोनों मार्केट के लिए निकल गए हैं। मैं अभी आ गई हूँ आ गया और गर्मी काफ़ी है, रुक देखिए धूप काफ़ी है, तो रुक जाएंगे अभी मार्केट। तो यहाँ मैं आ गई हूँ साड़ी के शोरूम में और ये शोरूम काफ़ी अच्छा है जिसका नाम परिवार है। मैं यहाँ रेगुलर सामान लेती हूँ और यहाँ आपको मनपसंद साड़ी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी साड़ी। और यहाँ मुझे गाइस ब्लैक साड़ी पसंद आ गई, तो वही मैं साड़ी देख रही हूँ। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, कंफर्टेबल साड़ी था और मैं इसको ट्राई कर रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये साड़ी खरीद ली गाइस। मेरा ब्लॉग उस दिन से ही स्टार्ट है जब मैं मार्केट गई थी और बच्चे का बीच में तबीयत ख़राब हो गया था जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और आज मैं ब्लॉग अपना बना रही हूँ गाइज। तो मैंने जो ख़रीदारी की थी वो कपड़े आप लोगों को मैंने दिखाती हूँ मैं क्या क्या मार्केट से ख़रीदी हूँ तीज की ख़रीदारी के लिए। और इस साल तो मेरा तीज की शॉपिंग भी सही से नहीं हुआ, सही से तो हुआ बट उसका जो होता है सारा सेट वगैरह उसके साथ मैंने अरेंज नहीं कर पाया क्योंकि घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी बच्चे का तबीयत ख़राब होने के कारण। मैं बच्चे में बिजी हो गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिला और बच्चे का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। मैं बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ करने को मन नहीं करता, वही मेरे साथ हुआ है। तो इस साल तो मैं तीज सिंपल तरीके से करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया वहाँ पे। तो ये मैंने सूट लिया है अपने लिए और इसमें स्टोन का वर्क है गाइज, आप लोग देखिए
और इसका वर्क काफ़ी सुंदर है और ये इस तरह दिखता है। और इसको, इस कपड़े को भी क्या कहते हैं, अभी जो लेटेस्ट में चला है, काफ़ी शाइनिंग होता है इसमें, सिल्क ही कह सकते हैं। अब ये नया नया चला है, तो यहाँ मैंने ये ग्रीन कलर का सूट है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो इसको मैंने परचेज किया। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग नज़दीक से देख सकते हैं। इसमें मिरर वर्क है, स्टोन वर्क, तो और इसका बाजू है, थ्री क्वार्टर बाजू है गाइज, और इस बाजू में ये लाइनिंग दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें शाइनिंग काफ़ी कर रहा है ये सूट में। अब इसको कौन सा फैब्रिक बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग जानते हैं तो बताना। और ये काफ़ी सुंदर लगा तो मैंने इसे लिया है सूट को। और इसके साथ ये पैजामा हुआ, ये नीचे प्लेन में है, शॉर्ट टाइप का पैजामा है, इसका लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक ही है। और इसमें भी पॉकेट होगा, और इधर इलास्टिक का काम किया है, इलास्टिक रहता है सही रहता है। और इसमें पॉकेट नहीं दिया हुआ है, मुझे लगा कि इसमें पॉकेट होगा बट इसमें पॉकेट नहीं है। आप लोग देखिए, ये पैजामा हुआ और ये चुन्नी काफ़ी सुंदर लग रहा है, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। ये बनारसी सिल्क में पहले जो दुपट्टा चलता था, अब ये शॉर्ट में चल रहा है। मैंने पहले भी इस कपड़े का दुपट्टा यूज किया है, ये गोल्डन में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। और इसमें ये शॉर्ट टाइप में दुपट्टा है, नहीं वन साइडेड लेना होगा, इस तरह से लेना रहेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये वन पीस में आता है लॉन्ग कुर्ती, आप सिंपल ऐसे डाल सकते हो। ये कलर काफी अच्छा लग रहा है, ये पीला और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन है, और ये पीला भी काफी अच्छा है, हल्दी कलर में है ना, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। और इसका बाजू आप लोग देखिए, यहाँ चुनन बना हुआ है और ये कॉलर में है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वन पीस आप किसी पर भी पहन सकते हैं, नीचे लेगीस भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ये भी सूट काफ़ी प्यारा है, मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। और आप लोग देखिए, इस सूट को मैंने वियर किया है, और इसका आप बाजू देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है मस्त, और ये कॉलर में, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और ये फिदी भी दिया है, इसको मैं बांध दूंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका बाजू काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी कंफर्टेबल कपड़ा है, पहनने में काफ़ी मस्त है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका घेरा काफी अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, ये बिना दुपट्टा का भी काफी अच्छा लगेगा, कहीं भी आप पहन के जा सकते हैं। आप लोग बताना, मुझे इसका बाजू काफी पसंद है इस तरह का, और ये कॉलर वाला गला है, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और ये साड़ी आप लोग देखिए, ये भी साड़ी काफी सुंदर लगा, और इसमें नीचे नग का काम किया हुआ है, फैब्रिक काफ़ी पतला है, और बॉडी में पता भी नहीं चलेगा कि साड़ी पहने हैं कि नहीं, ये मस्त साड़ी लग रहा है। और ये फुगा ने परचेज किया है ये साड़ी, तो आप लोग देख सकते हैं, ये भी साड़ी काफ़ी सुंदर है। और आप लोग कैसे भी करके इसको पहन सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी मस्त साड़ी लग रहा है।
और ये साड़ी एकदम सॉफ्ट साड़ी है, एकदम हल्का है। और हल्का साड़ी पहन के आप कहीं भी आप जा सकते हैं। आप लोग देखिए कितना खूबसूरत साड़ी है, नीचे स्टोन का काम किया हुआ है। इस तरह से आप इसको कैसे भी करके पहन सकते हैं। और ये रहा इसका ब्लाउज, ये ब्लाउज में भी स्टोन का दिया हुआ है, ये बाजू पे आ जाएगा। तो मुझे ये भी साड़ी काफ़ी अच्छा लगा, ये फुआ अपने लिए ली है। और ये ब्लैक साड़ी गाइज, ये मुझे काफ़ी पसंद आया था ब्लैक साड़ी, जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है। इसका भी फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट कपड़ा है। और इसका जो वर्क किया है किनारे का काफ़ी अच्छा है। और मेरे पास एक भी काला साड़ी नहीं था जिससे ये मैंने ये ब्लैक साड़ी परचेज किया। और आप लोग देखिए ये भी साड़ी काफ़ी सुंदर लग रहा है और पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। पहनने के बाद कोई भी कपड़ा अच्छा दिखता है। और ये भी साड़ी जब पहनूंगी तब पता चलेगा, अभी नहीं पता चल रहा है। और ये पूरा प्लेन है और नीचे बॉर्डर है, काफ़ी सुंदर लग रहा है बॉर्डर। इस तरह किनारे में है, और इसका ब्लाउज, और ये ब्लाउज है पीठ के पीछे डिजाइन ऐसा बनेगा, ये ब्लाउज रहेगा। और इधर ये बाजू में आएगा, ये दिया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत ब्लाउज बनेगा। तो मुझे तो ये साड़ी काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग बताना ब्लैक साड़ी कैसी लगी। तो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज तो नहाए खाए था, और नहाए खाए है शाम में मैं जाऊँगी, इसमें सिंगार लाठी और फल पकवान वगैरह जो चढ़ता है बनता है। इस बार एकदम सिंपल तरीके से करूँगी, फल से कर लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे का तबीयत सही नहीं चल रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरा ये ख़रीदारी कैसा लगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।